कुछ बातें निर्णय हुआ है। प्रसार भारती अयोध्या नगर निगम में संभव हुआ तो पास पड़ोस के बाजारों में LED स्क्रीन लगाकर रामनवमी के दर्शन कराएगी। जनता अपने मंदिर, अपने क्षेत्र, अपने घर में बैठकर टेलीविज़न, मोबाइल के माध्यम से अयोध्या का रामनवमी पर्व बड़ी धैर्य और शांति के साथ दर्शन कर सकेंगे। प्रसार भारती प्रयास करेगी कि 100 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाए जाएं, LED वॉल्स। ये एक बहुत बड़ा सुविधा या हमारा सुझाव प्रसार भारती ने स्वीकार किया है। अयोध्या बहुत छोटी है, गर्मी पड़ रही है, तो सारी अयोध्या की जनता से ट्रस्ट की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं कि किसी को पानी का अभाव ना हो जाए। भोजन के लिए तो जनता अपने साथ सत्तू ला सकती है, लेकिन पानी का अभाव ना हो, जनता से हाथ जोड़कर ट्रस्ट के आग्रह पर, ट्रस्ट की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं। रामनवमी पर कितनी जनता आएगी, इसका कोई आकलन करना संभव नहीं है। ये संख्या लाखों होगी। हम एक दिन में 7 लाइनों में दर्शन कराएंगे। अभी तक दर्शन 4 लाइनों में हो रहे हैं, 3 लाइन बढ़ाकर 7 लाइनों में भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। शयन आरती के बाद वस्त्र बदलना, श्रृंगार बदलना, भोग और फिर प्रातःकाल नए श्रृंगार। आज इस कार्य में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। श्रृंगार के समय को और शयन आरती के बाद सारा दिन भर का श्रृंगार उतारना, इस समय को कम करना संभव नहीं है, वो व्यवहार का समय है। कुछ लोग 5 मिनट में स्नान कर लेते हैं और कुछ पुरुषों को 5 मिनट में कपड़े भी नहीं पहने जाते, सैनिक कर लेता है। और इसलिए अगर इतना समय बचा दिया जाए तो कोई श्रद्धालु दर्शन से वंचित न रहे, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था की जाएगी।
इसलिए सात लाइनों में दर्शन। समाज से निवेदन, अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं आइए, कोई मोबाइल लेकर मत आइए, दर्शन की अवधि घट जाएगी, दर्शन आसानी से होंगे। जूता चप्पल थोड़ा दूर रखकर आइए। गर्मियों में गर्मी से बचाव के लिए बिरला धर्मशाला के पश्चात राम जन्मभूमि पथ पर जाना, दर्शन करके बाहर निकलना, इसको छाया से कवर कराया जा रहा है। पूरा क्षेत्र छाया से कवर होगा। जमीन में जहां कंकर पत्थर चुभता है वहां मैट लग जाएंगे, पत्थर पर यदि पैर जलता हुआ लगा मैट बिछाया जाएगा। प्रवेश द्वार से लेकर वर्तमान बाहर निकलने तक जगह जगह पानी मिल सके इसके लिए प्रयास है कि संभव होगा तो 50 स्थानों तक पानी का सुविधा प्रदान करेंगे। अब ये 50 बोल दिया है, संभव है कि नहीं ये जब सड़क पर चलेंगे तो पता लगेगा। बार बार पानी तो लघु शंकर शौचालय, इसको भी परिस्थिति अनुसार जहाँ संभव हो रामनवमी और गर्मी का विचार करते हुए करेंगे। गर्मी में डायरिया, ORS का घोल अधिक से अधिक मात्रा में, हम ORS का पाउडर अधिक से अधिक मात्रा में समाज को उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करेंगे। शेष जनता से ये भी निवेदन करने का विचार आया है कि अपने गांव, अपने मोहल्ले की रामनवमी को उत्साहपूर्वक मनाओ और रामनवमी का दर्शन प्रसार भारती के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर देखो। अयोध्या में अत्यधिक दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को संभालना ये स्वयं दर्शनार्थियों के लिए कष्टदायी ना हो जाए। प्रशासन आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ही चाहता है लेकिन दर्शनार्थियों को कष्ट ना हो इसकी बात भी सामने आती है, तो ये सुझाव देने की बात आई है। मैं समझता हूँ यही सबके महत्व का निर्णय था। ऊपर की मंजिल पर राम का दरबार सिटिंग बेंच, इसकी चर्चा प्रारंभ हुई है, उसका चित्र कौन बनाएगा, किससे बनवाया जाए, धीरे धीरे आगे विकसित होगा। दर्शन मार्ग पर जगह जगह बैठने की व्यवस्था, इसका भी विचार आ गया है। सबको प्रसाद मिल जाए इसके लिए क्या करना, आज जो व्यवस्था है उसमें सभी को प्रसाद मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा
आज नहीं कहा जा सकता, इसलिए 9-10 तारीख के बाद अध्ययन करेंगे, प्रसाद का वितरण कहाँ कराएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को दर्शन प्रसाद मिल सके। उसको तो कष्ट भोगना ही पड़ता है, आप भी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो कष्ट पाते ही हो, कुछ मुझे उत्तर दे दिया यहाँ, लेकिन तो भी संतों ने दिया कि जिसका जन्मदिन है उसे तो कष्ट कुछ ना कुछ भोगना ही पड़ेगा, परंतु श्रृंगार का समय कहाँ जाएगा, रिचुअल्स तो भगवान को जो वस्त्र पहनाए जाएंगे तो पर्दा ढकना ही पड़ेगा, भगवान को भोग लगाया जाएगा तो पर्दा ढकना ही पड़ेगा, रात को शयन के बाद जब उनके वस्त्र उतारकर शयन की मुद्रा में लाना होगा 15-20 मिनट के लिए, तो वस्त्र पर्दा ढकना ही पड़ेगा। तो आज जितना समय लगता है अगर वो भी समय जोड़ लें तो भगवान तो 24 घंटे जग ही रहे हैं, श्रृंगार सोते सोते कैसे होगा, तो वही समय रहेगा जैसे आज इन दिनों नहीं हो सकता है, ये समय बढ़कर 18 से 19 घंटे तक जनता के लिए हो जाएगा। अभी कितने घंटे हैं? 14 घंटे, रामनवमी सब 20 घंटे हो सकता है, 20 घंटे तक हो सकता है, 20 घंटे जनता को देखने के लिए। और अब विचार करिए, श्रृंगार करने का समय, शयन के बाद कपड़े बदलने का समय, भोग का समय, चार बार भोग लगता है, मोटे मोटे दर्शन रात 12 बजे तक होगा, 1 बजे नहीं दर्शन चलेगा, कार्यक्रम भी चलेगा, निकाल लो कितने, अरे 5 मिनट में भोजन होता है।